ચાર દિવસ પહેલાં મારી ગાય ડબ્બામાં ગઈ હતી. એના ગાય છોડાવવા માટે 48 કલાક પછી ચિઠ્ઠી આપી. પોલીસ સ્ટેશનમાં ગયા એટલે કે 308 કલમ લાગશે તમારા ઉપર, આ હશે એમ કરીને 4 દિવસ. તો ગાયનું વાછડું નાનું હતું, 2 દિન બિયાયું હોય છે, 2 દિવસ બિયાયા ત્યાં ગાયને, અને એ ગાય મરી ગઈ, ગાયનું બચ્ચું મરી ગયું. આટલું જે શું ગુનો હતો, તો બચ્ચું 2 દિવસનું મરી ગયું એનું. मालधारी में हम टोटल 5 कास्ट आती है, जिसमें रेबारी, भरवाड़, आहिर, गढ़वी और चारण. मालधारी की तो देखे जाए तो अहमदाबाद शहर में काफ़ी सालों से वो रहते. पहले तो मैंने ये था कि मालधारी कहीं पर स्थायी नहीं रहते थे, अलग अलग शहरों में अलग अलग जगह घूमकर अपना गुजारा करते थे. पर काफ़ी टाइम से वो स्थायी हो गए, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ 50 साल से ये मालधारी लोग रहते हैं. पर अभी ये समस्या खड़ी हुई कि ये शहरों में गाय भैंसे रखना जैसे कोई गुनाह जैसा हो गया है. हमारे समाज पूरा पशुपालन वाला समाज है. हमारे समाज में ज़्यादातर लोगों की रोजगारी पशुपालन पे है, और आज हमारे समाज की जो पशुपालन की रोजगारी है उनको छीनने की कोशिश पूरे स्टेट में हो रही है. यहाँ पे जो पशुपालन की गाड़ियाँ चलती है वो सब लोग पूरा हफ्ता लेते हैं. सब पशुपालन डर के हिसाब से हफ्ता देते भी है, और हफ्ता देने के बावजूद भी उनके घर बांधी हुई गायों को ये छोड़ जाते हैं. जब हमारा मालदारी वो गाय छुड़ाने जाता है, एक गाय का 4000 रुपया ही लोग वसूल करते हैं. अगर एक दिन लेट हो गया तो रोज का रोज 500-500 रुपया ऐसे पेनेट्री ये लोग चढ़ा देते हैं. चार्ज करने की बात उन्होंने 10 बार बोली है, लेकिन आज जो दिन में एक बार वो गाय पकड़ने के लिए उनकी गाड़ी आती थी, आप दिन में 4 बार आ रही है. अभी 2 दिन पहले पुलिस ने घर में जाके महिलाओं को मारा है, और घर पे जो गाय बंधी हुई थी उनको उठा उठा के डिब्बे में डाल के ये लोग ले गए हैं. मारी गाय 10 दिवस पहला पकड़ी ने ले गया था. મને કોઈ ખબર નથી કે આ કાયદાની કે કેવી રીતના ગાય છોડાવવાની, શું છે શું નહીં. હું ઓટો પોલીસ સ્ટેશનમાં ગયો જાણકારી માટે કે મારી ગાય પકડીને લઈ ગયા છે, કેવી રીતના છોડાવવાની. તો ત્યાંથી મને કીધું કે ત્યાં તમે દાળી લીમડા જાઓ, ત્યાંથી ચિઠ્ઠી લઈને આવો. તો હું ત્યાં ગાડી ગયો, એટલે હું ત્યાંથી ચિઠ્ઠી લઈને પોલીસ સ્ટેશનમાં આવ્યો. એટલે મને 24 કલાક મય લોકઅપમાં નાખી દીધો. મને કે ચાર્જશીટ તમારા ઉપર દાખલ થશે, 308 કલમ લાગુ પડી હતી, પણ એ મારા ઉપર લગાવી તો નહીં. હું ખાલી જાણકારી માટે ગયો હતો, અને મારા ઉપર આવી રીતના સવાલો બધા કરવા માંડે કે ક્યાંથી ગાય પકડી ગયા, તમે કેમ છૂટી રાખી હતી. ગાય લઈને જતા હોય તો અમારી બાઇક લઈ લે. મ્યુનિસિપાલિટીવાળા ડબ્બાવાળા નીકળ્યો તો અમારી ગાય લઈને અમે જતા હોય તો અમારી બાઇક લઈ લે, ગાય પકડી લે. એટલે આવી બધી પ્રોબ્લેમથી અમે ગુજરી રહ્યા છીએ, સરકાર નહીં. ઉનકે ઉપર જો ચાર્જ લગાતે હો 308 કી કલમ, વો 308 યાની હાફ મર્ડર હોતા હૈ ક્યા યે રેબારી, હાફ મર્ડર યે આપકો કાતિલ લગતે હૈ. वो महीने में 5-6-7 हज़ार कमाता है, उसके सामने वो महीने में एक बार गाय उठा के ले जाते हैं और 6000 रुपया उसका ऐसे ही वसूल कर देते हैं. यानी उसको रोजगारी उसकी ख़त्म करने का इनका जरिया ही बन गया है. उनका ये कहना है कि भाई आप परचेस करो प्लॉट, उसमें रखो. अभी इनकी इतनी सिचुएशन ही नहीं, एक तो एजुकेशन नहीं, पैसे नहीं. वो प्राइवेट प्लॉट ले नहीं सकते, इतना महंगाई आप देख सकते हो. खुद घर में रहते हैं, उसमें पूरा परिवार रह ना सके, उतनी रूम है उसमें गाय कहाँ से रखेंगे. जो गायों के लिए, अपने मवेशियों के लिए जो खाने फॉडर जिसको बोलते हैं, उसको भरण पोषण गायों के लिए एक गौचर की व्यवस्था हर सरकार करती है. और जैसे हम आदमियों को रहने के लिए टाउन प्लानिंग की जो स्कीमें होती है, वैसे गायों के लिए पहले की जो सरकारें थी उन्होंने रखी थी गौचर की, मगर ये सरकार ने सब गौचर इंडस्ट्रियलिस्ट को बेच दिए हैं. कई गौचर भाड़े पे दे दिए, 1 रुपये टोकन के रेंट पे इन्होंने सब गौचर सब खाली कर दिए हैं. ये एरिया पूरा अहमदाबाद डेवलप हुआ, और यहाँ पे कहीं पे भी कहीं कोई जगह इन्होंने अर्बन डेवलपमेंट के अंदर जो गांव मर्ज किए हैं उन गांव की गौचर जमीन में कहीं पे भी एनिमल काउ के लिए कोई जगह रखी नहीं है. यहाँ दारू बेचने वाले यहाँ पे इजीली घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, और बड़ा धंधा कर रहे हैं. वो दारू वाले महलों में रह रहे हैं और गायों वाले जेलों में रह रहे हैं आजकल गुजरात में. जो मोदी जी अभी हिंदुत्व का मुद्दा पूरे देश में लेकर चल रहे हैं कि गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है,
लेकिन सच्चे गोपालक तो हम हैं, जो शुरू से भगवान कृष्ण के जन्म से हम ही गायों को पालन पोषण कर रहे हैं, हम ही गाय रख रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज़ गुजरात के अंदर दबाई जा रही है। पूरे मालधारी समाज ने देख लिया कि इनको कुछ ऐसा कुछ प्रेम है नहीं, इसलिए जो उनका जो वोट शेयर जो कम होने जा रहा है या उनको लग रहा है कि ये हमको प्रॉब्लम होगा, तो उन्होंने अभी एक नया नाटक चालू किया है। हमारे जो धर्म के हमारे जो मंदिर होते हैं उनमें जाके वो लोग पैसा देते हैं कि आप मंदिर बनाओ, हम बैठे हम आपको पैसा देंगे। अभी 2.5 करोड़ रुपए कुछ हमारे यहाँ मेहसाणा से आगे के वालीनाथ मंदिर है, वहाँ पे गवर्नमेंट ने उनके यात्रा विकास जो बोर्ड होता है उसमें से 2.5 करोड़ रुपए का उन्होंने एक चंदा दिया है। 80 लाख मालधारियों का 2.5 करोड़ में आपने सौदा किया है, यानी एक मालधारी के वोट के आपने 3 रुपये का दाम लगाया है कि एक मालधारी का वोट अब 3 रुपये हम देंगे, हम खरीद लेंगे। ये भैया अब नहीं होने वाला है, हमको आप वैकल्पिक व्यवस्था दो, हमारा जो पशुपालन का व्यवसाय है उसको सपोर्ट करो, वरना जैसे हम आपको हमारी ज़रूरत नहीं, हमको आपकी ज़रूरत नहीं है।